कैन आई टेक यू आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी? चीयर्स यार, क्या बोली वो? नाम नहीं बताया, इंट्रोड्यूस नहीं किया, सीधे मुद्दे पे आ गए। अब सिर्फ 2 सेकंड बचे हैं, आपका 7th फ्लोर आ जाएगा और मेरा 8th। वेस्ट करने के लिए टाइम कहाँ है? कॉफी पीने के लिए हाँ बोली। सो सवाल गलत है, सही तरीके से पूछिए तो चलेंगे। सवाल सही तरीके से पूछिए? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे या तो हाँ बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूँ, ऐसा ना हो कहीं लिफ्ट चली जाए। ठीक है, बाय। इट्स अ फेमिनिस्ट थिंग, राइट? कैन आई टेक यू आउट फॉर अ कप? ऐसा नहीं पूछना था, है ना? बल्कि मुझे पूछना चाहिए था, विल यू टेक मी आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी? अभी भी गलत है आपका क्वेश्चन। जरा रुकिए, लगता है आप इक्वल राइट चैंपियन है। कैन आई टेक यू और विल यू टेक मी आउट, दोनों ही गलत है। कैन वी गो आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी? सॉरी। कोई क्लू तो दीजिए। तुझे पीछे भगा रही है। आप मुझे पीछे भगा रही हैं। किसी तरह से पूछूं आप आएंगी नहीं। मैंने जाने के लिए मना नहीं किया है, आप सही तरीके से पूछिए, जरूर चलूंगी। Can I take you out for a cup of coffee? Will you take me out for a cup of coffee? Can we go out for a cup of coffee? सवाल गलत है, सवाल को सही तरीके से पूछिए, जरूर चलूंगी। बेवकूफ कहीं का। बोल यार। मैंने ढूंढ लिया, कल वो आएगी कॉफी पीने के लिए। बहुत सिंपल आंसर था यार, बेवजह ज्यादा सोच सोच के मैंने दिमाग खराब कर दिया, इतना टाइम बिगाड़ा। हम दोनों चाय पीने चले क्या? चलो चलते हैं, आई हेट कॉफी। देख लो क्या ही है। एटीएम मशीन है सेठ। क्या एटीएम मशीन? लगता है खुली नहीं तो उखाड़ कर ही लेकर आ गया। न्यूज नहीं सुनी? मैं नहीं सुनता। तो फिर आज से न्यूज सुनना शुरू कर देना चाहिए, तब पता चलेगा। अपन ने सोचा था उधर ही जैसे तोड़ के पैसा निकाल लेगा, नहीं हो पाया तो मशीन उखाड़ डाला। डैमेज हुई है मशीन? वो अपन ने ट्राई किया था लेकिन अपन कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। पर इसे तुम यहां क्यों लेकर आए हो? तुम किसी एटीएम मैकेनिक को जानता है क्या? अगर ऐसा आदमी अपन को मिल गया ना तो इसे तोड़ना आसान हो जाएगा। हमारी आंखों के सामने वैन में से आकर फ्लिप किया था, 30 से 35 लाख रुपए तो जरूर होंगे। एटीएम मशीन उखाड़ के तो लाए हैं, उसमें बहुत पैसा है लेकिन खोल नहीं पा रहे हैं। तुम आ जाओ। लगता है आदमी मिल गया। आदमी मिल गया है, जल्दी बुलाओ ना। बट आज नहीं कल आएगा। सेठ जी, मशीन को गाड़ी में रखकर घूमेंगे तो बहुत बड़ी रिस्क होगी, पुलिस हर तरफ राउंड लगा रही है। इसे तुम यहीं रहने दो जब तक मैकेनिक नहीं आता। तू चिंता मत कर, सेठ जी को मैं 3 साल से जानता हूँ, यकीन कर सकते हैं। सेठ जी अभी 2 लाख दे दीजिए, मशीन खुलने के बाद उसमें कितना पैसा है आपस में हम लोग बांट लेंगे, ठीक है ना? अरे भाई मैकेनिक को तो आने दो। देख भाई सेठ, हम लोग 6 लोग हैं एटीएम सिक्योरिटी को मिलाकर,
रातों रात पैसा पहुंचाना पड़ता है। अगर तेरे से नहीं हो रहा है तो ठीक है, ए चल रहे। जिसे जानते नहीं उसके साथ बिजनेस करने के बजाय जिसे पहचानते हैं उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, यही बोलकर मैं लेकर आया था। कविन, पैसा मिलते ही वापस कर देना। पापा, एटीएम मैकेनिक आया है। बेवकूफ लोग, पैसा कहाँ रखा जाता है यही पता नहीं उन लोगों को। और तोड़ने की बात कर रहे थे। अच्छा सेठ, मैकेनिक आया क्या? बताइए क्या हो रहा है। अभी तक तो नहीं आया, आएगा तो तुम्हें बता दूंगा। देख, डबल क्रॉस मत करना, मशीन मेरे सामने खुलेगा, समझा? मैं जानता हूँ, फोन रख दे। साउंड से तो पता चल रहा है कि 30-35 लाख तो जरूर होंगे। सेठ जी, आपको बेवकूफ बनाया गया है। क्या बकवास कर रहा है? इसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, फेक है। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई दे रहा है क्या?
आपको क्या चाहिए सर? सुबह 10 बजे से मुझे यहां बंद करके रखा है, मेरा फोन ले लिया इन्होंने और किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सर खाना ला कर दिया, खाने से मना कर दिया। आकाश के साथ तेरी क्या दुश्मनी है? कौन आकाश? सीएस आकाश, 3rd Cross Street नीलांगई। मैं ऐसे किसी को नहीं जानता। यहां पर आखिर क्या चल रहा है? किसी केस के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप मुझे पूछिए। मैं सारी रात को तुम कहां थे ये बताओ। ऑफिस में, एक पार्टी में। खुद दी हुई पार्टी में से तुम जल्दी निकल गए थे? ऐसा क्या काम था? कल सुबह रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है, लैंड रजिस्ट्रेशन करने। यू टेक केयर, ओके बाय। ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था, सिर दर्द कर रहा था। सिर दर्द कर रहा था? लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह जल्दी ऑफिस जाना ये नहीं बोला था? लेकिन सोमवार को तुम रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नहीं गए थे। इंक्वायरी हो चुकी है, झूठ बोला तुमने। देखिए मैं जानता हूं आप किसी केस में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोला तुमने? उठ। सुन, रविवार की रात को 10:30 बजे तू ऑफिस से घर के लिए निकला। तू 20 मिनट में अपने घर पहुंच सकता है, लेकिन तू 3 बजे पहुंचा। बीच में कहां था? रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गई थी। कहां? नरेशन स्ट्रीट, लिटिल माउंट। टायर बदलने में 3 घंटे लगते हैं। मेरे हिसाब से आधा घंटा सर। मेरे पास जैक नहीं था, इसलिए मैं आते जाते लोगों से हेल्प ले रहा था। एक ऑटो वाला आया लेकिन वो रुका नहीं। कार वाले एक दो लोग आए थे लेकिन उनके पास जैक नहीं था। लास्ट में एक कॉल टैक्सी वाले ने गाड़ी रोकी और उसी ने हेल्प की। कौन सी कॉल टैक्सी? ध्यान नहीं दिया। नंबर? पता नहीं। कौन सी टैक्सी पता नहीं, नंबर याद नहीं, अचानक कोई आया और तेरी हेल्प करके चला गया। सही कहा ना? उठाओ इसे। पिछले रविवार को आकाश की मौत हो गई, खून हुआ। किसी नुकीले हथियार से उसकी गर्दन पे बार बार वार करके उसे मारा गया। ये सब अब मुझे क्यों बता रहे? वो आकाश को नहीं जानता और 3rd Cross Street भी नहीं गया, सही है? उस रात तुमने बालकनी में ये फोटो ली थी। ये एक एविडेंस मेरे लिए बहुत है। आउट। तेरा फ्यूचर, बिजनेस, अब सब कुछ भूल जा तू। तेरी लाइफ खत्म। तुझे तो दफनाने वाला हूं मैं। ये इंस्पेक्टर मुझे फंसाना चाहता है। मैं इनोसेंट हूं। उनकी मुझसे पुरानी दुश्मनी है। मेरा फोन दो, फिर मैं बताता हूं मैं कौन हूं। फोन दो मुझे। एक समस्या है सर। क्या है? Hey!
ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़ा गया है सर। हमने जो हर पुलिस स्टेशन में फोटो भेजा था ना सर, वो देखकर व्यासरवाड़ी के इंस्पेक्टर ने पकड़ा इसको। बहुत नशे में है सर, नाम भी ठीक से नहीं बता पा रहा है। नशे में धुत पुलिस की गाड़ी को ठोका है इसने। इसको स्टोर रूम में लेकर आओ। अच्छा बता, 2 तारीख की रात कहां था? अपन को याद नहीं है। क्या सर, ऐसा मरेगा तो सुबह कहां था वो भी भूल जाएगा अपन। सर लंच में चिकन बिरयानी और प्रॉन्स खाए थे है ना, सही बोला ना? एक चिकन बिरयानी और प्रॉन्स लेकर आ। सर 2 तारीख को अपन अपने फ्रेंड के साथ था, वो उस दिन बीमार था तो अपन दवाई लेने गया था, फिर खाना खाया और अपन के रूम में चला गया। सर फ्रेंड का नाम क्या है? मुरली, रिकी स्ट्रीट में उसका दुकान है। तुम लोग कंटिन्यू करो। yes, sir. और इसके फ्रेंड का एड्रेस नोट करो। मैडम आपने सेलम मेंटल हॉस्पिटल से रिकॉर्ड मंगवाया था ना, वो आ गया है। बाकी सबका रिकॉर्ड है मैडम, लेकिन आपको जो चाहिए सिर्फ वही नहीं है। जिस डॉक्टर को मारा था उसकी पर्सनल फाइल में बस यही एक कॉपी है जो उन लोगों ने भेजी है मैडम। अंदर कौन था मैडम, कविन या एलिल? वो दोनों। एलिल वो 3 महीने तक था और कविन 1 साल तक था। जब वो 10th में पढ़ते थे तब से ही एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे। आपने वो लास्ट पैराग्राफ पढ़ा मैडम? उस डॉक्टर ने अपने हाथों से लिखा है, उसे पढ़िए। इन दोनों के बीच चाहे कितनी भी नफरत हो लेकिन कोई भी मुसीबत आए तो दोनों एक हो जाते हैं। पहले तो मुझे लगा कि तू मुझे प्रॉब्लम देने आया है, लेकिन बाद में पता चला कि तू बचाने आया है। ये जख्म कैसे हुआ? नशे में इसने पुलिस की गाड़ी को ठोका है मैडम। ड्रंक एंड ड्राइव में इसको पकड़ा है सर। किसने ठोका, जाकर देख। आकाश को मारने से पहले 1 महीने से तू उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था यह अपन जानता है। एविडेंस को तूने मिटा दिया लेकिन इन्वेस्टिगेशन को फॉलो नहीं किया, अपन ने किया। कहीं तो तू फंसेगा यह अपन जानता था। एयर टाइट केस है, पूरी जिंदगी जेल में सड़ता। आखिर तक उस डॉक्टर को ये पता नहीं चला कि उसे कविन ने मारा या एलिल ने, और ऐसा ही उसमें उस डॉक्टर ने लिखा है मैडम। उस मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि तूने मारा था या अपन ने, इसलिए उसने अपन दोनों को पनिशमेंट दे दिया। लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं कर सकते, ये अपन जानता था। अपन जानता था अपन फंसेगा तभी तू बचेगा, और बस अपन जुआ खेलने के लिए मैदान में कूद गया। और सेलम हॉस्पिटल की रिपोर्ट वो तो अपन ने मिटा दिया, अगर अब मिल भी जाएगा तो तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी के तेरे को फंसाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा, अपन जानता था। तुझे तो दफनाने वाला हूं मैं। एक इंस्पेक्टर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो राजा की सीट पे बैठा है। उसे हराने के लिए अपन को इक्का चाहिए था, इसलिए मैंने अंदर स्टडी किया। क्या हो गया मैडम?
जब से वो यहाँ आया तब से वो मेरे साथ गेम खेल रहा था। एलिल पर कॉन्सेंट्रेट करने से उसने मुझे रोक लिया। अपन जानता था उसने दो बेगुना को पहले बचाया है। अगर अपन सही गेम खेल गया तो वो अपन को भी बचाएगी। टैक्सी ड्राइवर को मैंने बुलाया गवाही देने के लिए, लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन वो इस केस को नहीं छोड़ेगी, वो इसकी तह तक पहुंचेगी। उसे तो सब पता चल गया होगा। ये आप क्या बोल रही है मैडम, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस केस को वो वापस ओपन नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने तेरे लिए झूठा गवाह तैयार किया है। अगर वो ओपन करेगी तो खुद फंसेगी। तो बस बात खत्म और केस भी खत्म। क्या हुआ मैडम, किसने गेम खेला? अब तो सच्चाई शालिनी तक रहेगी। नहीं कुछ नहीं, अपन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ यही खेला, उम्मीद के साथ उतरा और जीत गया। आज के बाद अपन जुआ नहीं खेलेगा।